Assalamu alaikum. Hello my YouTube family. Welcome to my channel Pure Heart with Madiha. Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further video. So let's get start the video. आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़े की बहुत ही डिलीशियस फ्रूट चाट और ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी होती है। आप इसे खाएंगे तो आप बहुत इसे लाइक करेंगे। रमज़ान में लाजमी बनाइएगा और बहुत आपकी फैमिली भी इसे खाकर इंजॉय करेगी। बनाना बहुत इजी मेथड है। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। ये मैंने ले लिए थे अमरूद, 5 अदद अमरूद लेकर इस तरीके से उसका छिलका रिमूव करके और इसे इस तरीके से कट कर लिया था। सेब भी सेम वैसे ही कटिंग में मैंने कट कर लिया था। ये देखें, बहुत बड़ी बड़ी कटिंग मत किया करें कि वो एक तो खाने में भी ज़रा प्रॉब्लम होती है और दूसरा ये देखने में भी नहीं इतना अच्छा लगता। तो नॉर्मल साइज़ की कटिंग करें, ना बहुत छोटी हो ना बहुत बड़ी हो। और ये मैंने 2 अदद आम ले लिए थे और इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। 5 अदद आड़ू थे जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। कटिंग सब फ्रूट्स की सेम ही रखनी है, कटिंग आपने बड़ी छोटी नहीं रखनी। और जो भी सीजनल फ्रूट होंगे आप वो ले लें, लेकिन ये कोशिश करें कि 4 से 5 अदद या 3 से 4 अदद फ्रूट की वैरायटी लाजमी हो, तभी फ्रूट चाट अच्छी लगती है। और जो बाकी की चीज़ें हैं वो ये मेरे पास बॉयल चने हैं, वो मैंने ले लिया है 1 कप बॉयल चने। आप कैन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ। और दूसरा ही मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून इमली का पल्प और साथ ही मैंने 5 टेबलस्पून चीनी के लेकर 2 टेबलस्पून पानी के लेकर और इसे अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करके इसे डिज़ोल्व कर लिया था। और ये मैंने ले लिया था 2 टेबलस्पून लाइम जूस। लेमन अगर आपको मिलते हैं आप लेमन जूस ले लें, मेरे पास लाइम मौजूद थे तो मैंने लाइम जूस ले लिया था 2 टेबलस्पून। और साथ ही खुबानी की चटनी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लें। 2 टेबलस्पून मैंने भर कर ये ले ली थी खुबानी की चटनी। और इसके अलावा ये 1 चुटकी काला नमक और इसके बाद 1/2 टीस्पून नॉर्मल नमक जो घरों में होता है वो, और इसके बाद 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। और ये मैंने ले ली थी सूखी हुई खजूर। खजूर मार्केट में 2 तरह की अवेलेबल होती हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, एक पकी हुई होती है और एक सूखी वाली होती है। तो आपने कहना है कि सूखी हुई खजूर का पैकेट दे दें, तो वो सूखी हुई खजूर का पैकेट लेंगे और वो वाली यूज़ करें फ्रूट चाट में। वो जो नर्म वाली होती है वो नहीं यूज़ होती, सूखी हुई खजूर ही इसमें अच्छी लगती है। अब आ जाते हैं मिक्सिंग पर। बाउल में हमने पहले फ्रूट तो सारे ऐड कर लिए थे, तो अब इसके बाद जो चीज़ें सारी बची हुई थी वो इसमें ऐड कर लूँगी। चने हो गए, काला नमक हो गया, नॉर्मल नमक हो गया, पिसी हुई काली मिर्च होगी, लाइम जूस हो गया, चीनी वो जो डिसॉल्व की हुई थी वो डालेंगे, इमली का पल्प डालेंगे, खुबानी की चटनी डालेंगे, सारी चीज़ें एट ए टाइम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें, सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अगर आपको कोई चीज़ कम ज़्यादा करनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में हर चीज़ इसमें आती है। बहुत ज़्यादा खटास भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मिठास भी नहीं होगी। एक सेटल्ड सा मीठा जो होता है, लाइक एक फ्रूट चाट का अपना भी टेस्ट आना चाहिए, उन फ्रूट्स का अपना टेस्ट आना चाहिए, तो इन सब चीज़ों का भी आएगा और उस फ्रूट का भी आएगा। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा इन चीज़ों का। और ये देखें, 1 चुटकी दुरुशी पड़कर कलौंजी डाली और साथ ही इसे कर लूँगी बहुत अच्छा सा मिक्स। और जब अच्छा सा मिक्स हो जाएगा इसे कर लूँगी मैं डिश आउट। और ये देखें कलर कितने अच्छे आ गए हैं। और इसकी आप ये देखें, कुछ लोग बहुत पतली फ्रूट चाट बना देते हैं, ये इतना लाइक इसकी ग्रेवी जो होती है, इतनी इसकी सॉस जो होती है वो इतनी ही अच्छी लगती है कि हर फ्रूट पर वो आती है। बहुत एक्स्ट्रा लाइक जूसी जूसी और बहुत लाइक लिक्विडी वो अच्छी नहीं लगती। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। ये देखें, सूखी हुई जो खजूर डाली थी उसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है और सीरियसली उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप लाजमी इसे ट्राई करें। आपने मुझे बताना है कि आपको सूखी हुई खजूर के साथ फ्रूट चाट का टेस्ट कैसा लगा। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत डिलीशियस चाट बनती है, मेरी बहुत फेवरेट है। आपने लाजमी इसे ट्राई करना है। मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि आपको ये खाकर कैसी लगी। और इंशाल्लाह ताला रमज़ान भी जैसे बहुत ही अब नज़दीक आ रहा है, तो आपने क्या करना है, अपने दस्तरखान पर लाजमी इसे फ्रूट चाट को बना के रखिएगा। इस तरीके से बनाएं और आप बहुत इंजॉय करेंगे सब खाकर। अल्लाह ताला इस रमज़ान को हम सब के लिए बहुत ही रहमतों बरकतों का बाइस बनाए। और ये जो कोरोना वायरस आया है, अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदके ही हम लोगों पर ये जो आफत मुसीबत कोरोना वायरस की आई हुई है इसको ख़त्म कर दें।
اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کی اور آخرت کی بہت سی خوشیاں نصیب کرے. اینڈ فرام مائی سائڈ، تھینکس فار واچنگ، کیپ اسمائلنگ، اسٹے بلیسڈ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے.